बोलना बहुत बड़ा पाप है। खा मेरे सोगन कि फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ आज खाना तो बहुत खा लिया, थोड़ी सी गुलकंद ला दे तो खा लूं, सोगन तो कल खाऊंगा। बड़ा शरीर हो गया है, अपनी माँ के भी कान काटने लगा है। कहाँ काटे तेरे कान, तेरे कान तो यह रहे। ये कान नहीं रहेंगे तो तेरी शिकायतें कौन सुनेगा। याद रख अगर फिर कभी झूठ बोला तो। क्या करेगी तू? मैं मर जाऊंगी। जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनकी माँ मर जाती है। तो मेरे बापू क्यों मर गए? तब किसने झूठ बोला था? जरूर तूने झूठ बोला होगा। तेरे बापू बहुत अच्छे और सच्चे आदमी थे। सच्चे और अच्छे भगवान को बहुत प्यारे होते। वो उन्हें जल्दी अपने पास बुला लेते। तो माँ मैं सच बोलकर इतनी जल्दी भगवान के पास नहीं जाना चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता। मैं तो हार गई तुझसे। ले जा, फूल देर हो रही है। मनोहर मनोहर, मनोहर मनोहर आया दुआ। अरे इतनी देर से क्या कर रहा था बेटे? लक्ष्मी पूजन कर रहा था। तूने ही तो कहा था लक्ष्मी पूजन करने से धन मिलता है। मनोहर तो कितना अच्छा है बेटे, जरा इस पगले को भी तो अकल सिखा। चल बे पगले, तुझे अकल सिखाऊं। क्या बात है, स्कूल नहीं गए? छुट्टी है क्या आज? छुट्टी तो नहीं थी मगर हो गई है। आज हमारे मास्टर जी मर गए। राम राम राम, क्या कहा? राधे श्याम जी चल बसे? हाँ, आज सुबह चिलम का दम लगा रहे थे, जोर की खांसी आई कि उनका ही दम निकल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाता हूँ उनसे अर्थी को कंधा देने के लिए। बहुत भले आदमी थे बेचारे, बहुत भले आदमी। तू रोते क्यों? तुम्हारे मास्टर जी मर गए ना? अरे मास्टर जी वास्टर जी कोई नहीं मरे। ले चूरन खा। चूरन? चूरन कहाँ से लाया? ये हाथ की सफाई है, हाथ की सफाई। ले खा, फिर खेलने चलेंगे। मैं तो झूला झूलूंगी। अच्छा झूला ही झूलियो। क्या बात है राजी? क्यों, क्या खाया था रात को? चल जबान बाहर निकाल। अबे तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? मैं तो भला चंगा हूं। है? क्या तेरे पेट में दर्द नहीं है? नहीं तो तुझे किसने कहा? सत्यानाश, तेरे भांजे ने। कहने लगा मामा के पेट में जोर का दर्द है, मछली की तरह तड़प रहे हैं। मैं भागा हुआ चला आया। दीदी, ओ दीदी। क्या बात है भैया? सुन ले अपने लाडले के करतूत, वैद्य से झूठ मूठ कह दिया कि मेरे पेट में दर्द है।
मैं जाता हूँ, कहीं मेरी दुकान न चौपट कर दी हो उसने। बड़ा झूठा लड़का है, ओ भगवान बचाए। अपने साथ मेरे मनोहर को भी खराब कर रहा है। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ भैया, तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। ओ गिधाईला, कहाँ है तुम्हारा भांजा? मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उसकी जबान खींच लूंगा। क्या हुआ? मेरी लुगाई से कहने लगा। क्या कहता था बोलना? मुझसे कहने लगा इनको पुलिस पकड़ के लेकर गई। मैं रोटी पीटती थाने पहुंची, मेरे जाने के बाद में हुआ दही दूध घी सब चट कर गया, कीड़े पड़े उसके मुंह में। एक मटका भी तोड़ गया। हाँ। हे भगवान, इस लड़के का क्या करूं? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगा। तुम चलो, मैं अभी रुपए लेकर आता हूँ। 10 रुपए लाना, हमारा नुकसान तो 10 रुपए से ज्यादा हुआ है, मगर देवा का लड़का है ना, इसलिए दया आती है हमको। अच्छा चलो चलो। देखिए अपने लाडले की करतूत। अरे वो गिधारीलाल, क्या हुआ बासुदी? अरे हुआ क्या, वही तुम्हारा भांजा। आज अमर फिर स्कूल नहीं आया। स्कूल तो वो बहुत दिनों से नहीं गया, पर आज तो उसने गजब कर दिया। जीते जी मेरी अर्थी निकाल दी, वो लड़का है ये छिलावा। हाँ, मुझे कहने लगा मास्टर जी स्वर्गवास हो गए, मैं भागा भागा इनके घर गया। ये लड़का मुझे कहीं कहा रखेगा। अजीत, डर तो इस बात का है कि वो अपने साथ मनोहर की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा। यही सोच रहा करूं तो क्या करूं, विधवा बहन को घर से धक्के देकर निकाला भी तो नहीं जाता। मैं जाता हूँ, मगर सुन लो, मैंने उसका नाम स्कूल से काट दिया। नहीं मास्टर जी, नहीं, अपना फैसला बदल दी। मुझे आवागन का वही एक सहारा है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे अमर की जिंदगी खराब हो जाएगी मास्टर जी। मैं तुम्हारे लड़के की जिंदगी के लिए सारे गांव के बच्चों की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। चलो मास्टर जी, चलो मास्टर जी, सुनिए मास्टर जी। तुम तो बात बात में तेज से बहाती हो, आखिर कोई कब तक तुम्हारे इन आंसुओं को पोंछता रहेगा? भैया, आंसू पोंछने वाला कोई होता तो ये आंसू निकलते ही क्यों? मुसीबत में सब साथ छोड़ देते। दोष सब तुम्हारा है, तुम्हारे ही लाड प्यार ने अमर को झूठा और चोर बना दिया। अभी तो उसकी बुराइयां घर से निकलकर गांव तक ही पहुंची, एक दिन सारी दुनिया में फैली और वो जिंदगी भर जेल में फंस जाए। नहीं नहीं भैया, मेरे मासूम बच्चे के लिए ऐसा न करो, ऐसा न करो भैया। तुम्हारा लाडला मेरे सर में धूल डालता है और मैं कुछ न करूं, वो मेरे मुंह पर कालक भरे और मैं खामोश रहूं, इस पर भी तुम उसी की तरफदारी करती हो। ठीक है, मैं आज ही मनोहर को लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। नहीं नहीं, घर आकर आप क्यों जाते? मैं ही चली जाती हूँ। जो कुछ तुम्हारे जी में आए वो करो। तेरी झूठी बातों में नहीं आऊंगा, सवेरे मामा के पीठ में जोर का दम था, अब माँ के चोट आई है, चल चला जाए यहाँ से। रहिए भगवान के सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ मर जाए चाहे वो मर जाए, झूठा है, मुझे इस बात का यकीन नहीं। मुझे यहाँ से भेज कर मुरब्बा खाने का इरादा है। Thank you.
दीदी दीदी क्या हुआ दीदी? मामा वैद्य नहीं आते, वो मेरी बात का यकीन नहीं करते, आप जाकर बुला लाइए। अरे आता कैसे नहीं, मैं लेकर आता हूँ। वैद्य आते हैं। अब मैं बच नहीं सकती, मेरे लाल, मेरी सौगंधा, अब तो जीवन भर झूठ नहीं बोलेगा। माँ मैं तेरी शवन खाता हूँ कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। घबराए नहीं, सब ठीक ये था। बिचारी चल बसी। दीदी, दीदी। अगर मैं वक्त पर पहुंचता तो शायद बच जाती। इसके बेटे के झूठ ने इसकी जान ले ली। माँ अब मैं कभी कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अब तक शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा माँ, मैं मरते दम तक कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अमर बेटा अमर, अरे तू यहां बैठा है, कुछ मनोहर का भी पता है तुझे? मामा मनोहर कोई बच्चा है जो गुम हो गया होगा, वो तो गौरी के पास होगा। गौरी के पास? ओह मालूम होता है, शहर की कोयल गा रही है,
देखो तुम्हारे लिए हार लाया हूँ, कैसा? इतना खूबसूरत हार कहाँ से लाए हो? तुम्हें क्या मालूम, आजकल अपना कारोबार बड़े जोरों पर चल रहा है। कारोबार? दिन भर तो मेरे साथ घूमते हो, कारोबार क्या करते हो? अपना कारोबार रात के अंधेरे में ही चलता है, न कोई देखे न सुने, और दूसरे का माल अपनी जेब में। हायरा, तुम चोरी करते हो? तो बड़ी समझदार, कितनी जल्दी समझ गई। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए यहाँ। मैं कहता हूँ रख लो, नहीं तो कोई दूसरी ले जाए। रहा बदमाश, इसी ने मेरे घर की चोरी की है। तुम्हारे घर की चोरी? क्या बकते हो, यहाँ कहाँ से लाए हो? हवलदार साहब, ये तो मैं अपने रुपयों से लाया हूँ। और रुपए इसकी तिजोरी से निकाले थे। चलो थाने। क्या कह रहे हो हवलदार साहब, ये कोई शराफत है? शराफत शरीफों से बरती जाती है, तुम जैसे चोरों से नहीं। चलो चलो, जिसने चोरी की होगी उसे डर होगा। पुलिस ने पकड़ लिया? क्यों? उसने चोरी की है। चोरी? ये झूठ है, झूठ है। मैं भी देख रहा था। थानेदार जी, मैं सच कहता हूँ, ये चोरी मैंने नहीं की। तो फिर ये हार कहाँ से खरीदा? अपने पैसों से। हमारे पास पैसे कहाँ से आए? बात ये थानेदार जी, जब मैं छोटा सा ही था ना, तब से मुझे पैसे जमा करने का शौक है। क्या बात है मनोहर, मुझे चोर कह रहे हैं। थानेदार साहब, ये चोर नहीं, इसे छोड़ दीजिए। छोड़ दो? तुम्हारे लड़के ने इनके यहाँ चोरी की? ये झूठा है। कब हुई थी तुम्हारी चोरी? यही रात का दूसरा पहर होगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठ। सच कहता हूँ थानेदार साहब, मैं मनोहर और अमर रात के तीसरे पहर तक तो रामायण पढ़ते रहे हैं। कैसे हो सकता है? जी रामायण सुन लीजिए। क्या तुम अमर की गवाही दिलवा सकते हो? जी जी हाँ, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। हमें अमर पर पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर उसने कह दिया कि वो रात भर मनोहर के साथ था, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारा चोर मनोहर नहीं कोई और है। मगर हुजूर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। घबराओ नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हुआ जाता है। थानेदार जी, मैं बैठ जाऊं? बैठ सकते हो। अमर, बेटा अमर, अमर, अमर क्या हुआ? जल्दी से मेरे साथ चलो, तुम्हारा भाई मनोहर बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। चोरी के इल्जाम? हाँ, वो थाने में है। अगर तुम थानेदार से चलकर सिर्फ इतना कह दो कि वो रात के तीसरे पहर तक तुम्हारे साथ रामायण पढ़ रहा है, तो वो छूट सकता है। तो जल्दी। मगर मामा, ये तो झूठ है। अमर, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अपने भाई की इतनी सी मदद भी नहीं कर सकते? अरे पगले, तुम्हारे इतना कह देने से वो छूट जाएगा, वरना सारी जिंदगी के लिए उस पर दाग लग जाएगा। चलो अमर, जल्दी करो। मामा, मैं मनोहर के लिए जेल जा सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। मामा, इतने कठोर ना बनो। ये पगड़ी तुम्हारे पाँव में रखता हूँ, इस पगड़ी की लाज रख लो। कैसी बात है? मेरे बुढ़ापे की लाज रख लो, वरना मैं गाँव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। सोच के क्या हो, जल्दी चलो, जल्दी चलो अमर। लेकिन मामा, आपने मुझे जैकेट तो पहन लेने दिया होता। थानेदार साहब, अमर आ गया, बेशक इससे पूछ लीजिए। क्यों अमर, क्या ये सच है कि मनोहर कल रात तुम्हारे साथ था? हाँ अमर, कल रात हम रामायण पढ़ रहे थे ना, जब रामन सीता को उठा के ले गए। तो जी, मैं तो चुप हूँ। बोलो बोलो अमर, बोलो बेटा, चुप क्यों हो? हमें तुम पे पूरा पूरा भरोसा है कि तुम सच सच बोलो। सच बात तो यह है थानेदार साहब कि रात को मनोहर, मेरे साथ नहीं था। कांस्टेबल, मनोहर को हवाला में बंद कर दो। हाँ कर दो बंद, कचहरी में ये झूठ चलेगा। चला जा यहाँ से। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा। मेरा यही कसूर है ना कि मैंने मनोहर के लिए झूठ नहीं कहा। मैं फिर कहता हूँ कि मैं जिंदगी भर झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ा आया हरिश्चंद्र का आपका, मैं भी देखूंगा कि तेरी ये सच की रट तुझे कहां तक पहुंचाती है। वो नागन खुद तो मर गई और इस सपोले को छोड़ गई मुझे और मेरी औलाद को डसने के लिए। देखो मामा, मुझे जो चाहो करो, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ कहो तो क्या? तो तू मुझे मारेगा? मार मार, रही सही कसर भी पूरी कर ले और कमीने दूर हो जाए यहां से। मैं खुद इस घर में ठहरना नहीं चाहता जहां मेरी स्वर्गवासी माँ को बुरा भला कहा। और याद रख, तुझे कहीं चैन नसीब नहीं होगा, और एक दिन ठोकरें खाकर तुझे मेरे ही पांव में आकर गिरना पड़ेगा। अमर, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं पूछती हूँ, मनोहर को जेल भेजकर तुम्हें क्या मिला? मुझे माफ कर दो गौरी, मैं मजबूर। झूठ का दीप कभी ना जलता, सच की जो
बहुत अमर है तेरे मन में खोट नहीं तो तुझको किसका डर है सांच को आँच नहीं प्यारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे सदा सच बोल अरे इंसान के सच को ही कहते भगवान सांच को आँच नहीं प्यारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे सदा सच बोल अरे इंसान के सच को ही कहते भगवान सांच को आँच नहीं प्यारे पर्वत को ना हटते देखा दरिया को ना रुकते पर्वत को ना हटते देखा दरिया को ना रुकते जो सच्चे हैं उनको हमने कभी ना देखा झुकते तू भी सच का रख ले मान के सच को ही कहते भगवान सांच को आँच नहीं प्यारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे तो बहुत दिन के बाद देहाती मुर्गा नजर आया है माँ कसम अगर मुर्गा फंस गया तो बाप चांदी छे अपनी पास किसको ढूंढते किधर जाता है हम आज पहली दफा बंबई आया यहाँ कहीं रहने का इंतजाम होगा लोग बोलो अरे बंबई में रहने का इंतजाम नहीं होगा तो और क्या होगा बहुत इंतजाम है बंबई में रहने का लेकिन तेरे जेब में कुछ माल वाला है हमारे पास पूरा 30 रुपया है बस हाँ। अंदर का जेब में देख 2-4 रुपया और होएगा देखो मिस्टर हाँ? हम कभी झूठ नहीं बोलते समझे लेकिन तुम कौन हो लो बोलो अपने को नहीं पहचाना अरे अपन डायमंड गेस्ट हाउस का गाइड है क्या समझा अच्छा। मुसाफिर को आराम से गेस्ट हाउस तक पहुंचाने का अपना धंधा है बहुत अच्छा ये भी अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई जरा 30 रुपए एडवांस निकाल एडवांस 30 रुपए लो बोलो अरे बंबई में कोई धंधा बगैर एडवांस के चलता नहीं क्या समझा बाप ला एडवांस ला ये पूरे 30 है ना हाँ पूरे हैं भाई बहुत समझदार है देख वो सामने बड़ी गाड़ी खड़ी ली है ना हाँ, वो हा? बड़ी हाँ, हाँ, उसमें जाके तुम आराम से लेट जाओ समझे ना अपन जरा ड्राइवर को बुला के आते हैं ब्रदर तुम ठंडा पानी से नहाएंगे कि गर्म पानी से हम आज गर्म पानी से नहाएंगे आज तुमको गर्म पानी से नहाना मांगता क्या समझा है देखो हम होटल में फोन करते हैं कि तुम्हारा वास्ते गर्म पानी बिल्कुल रेडी तैयार रखे हैं तुम जाओ बैठ जाओ कोई दूसरा आएंगे जल्दी जाओ अरे वाह भगवान ऐसी शानदार गाड़ी वैसे ही उम्दा ड्राइवर इसका मतलब ये कि गेस्ट हाउस भी खूब होगा उस्ताद है ए मिस्टर कौन हो मैम सर मैंने तो आपके आदमी को 30 रुपए दिए जरा जल्दी चलिए मेरा पानी ठंडा हो रहा होगा ठंडे गरम का बच्चा निकल भाग अरे अपने ग्राहकों के साथ ऐसा करूं अपने ग्राहकों के साथ अरे मेरा बिस्तर तो दे दो ना जाने ट्रेन ऐसे इडियट को पकड़ क्यों लिया अरे मैं ओ मैम साहब मेरी चप्पल भगवान तो फल भी एक गिरा गया बदस्तन छह कोका कोला हो गया हाँ अच्छा भाई कौन तुम क्या बात है जी बात दरअसल यह है
कि आपकी गेस्ट हाउस का एक गाइड मुझे स्टेशन पर मिला था। उसने मुझसे 30 रुपए एडवांस लिए और एक गाड़ी में बिठा दिया था, लेकिन आपकी लड़की ने मुझे गाड़ी में से निकाल दिया और मेरी चप्पल भी लेकर चली गई। अरे तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? किसकी गाड़ी, कैसी चप्पल? हमारे कोई लड़की वड़की नहीं। कोई लड़की नहीं, अजीब बात है। अरे यहाँ तो तुम्हारे जैसे हर रोज कई ठगे जाते हैं। भले आदमी, यहाँ क्या चले आए, सीधा पुलिस चौकी पर जाओ। जाओ 15 15 15 15। अरे अभी तक तुम यहीं खड़े हो, अरे जाते क्यों नहीं? साहब एक कमरा आप ही दे दीजिए ना। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लो एडवांस निकालो। एडवांस? जी मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं एडवांस कहाँ से दूँ? तो फिर मैं आपको कमरा कहाँ से दूँ? ये कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ। कहाँ जाऊँ साहब? फुटपाथ होटल पर सोने को बहुत जगह मिलेगी। उठाओ अपना बिस्तर। हाँ हाँ जाते हैं। जाओ जाओ। क्यों गर्म हो रहे हो? गर्म क्या, तुम्हारे बाप की जगह है क्या? पेटी बिस्तर किधर है? नहीं था। गलती अपनी है, यहाँ लिखा है जागते रहो और हम सोते रहे। भाई मेरी गाड़ी में किसका लिया? नहीं, अच्छा तो तू पैदल चलेगा? बाबा पैदल के लीजिए। और ये भी है? ये चप्पल किसका है? ये तो आप जाने, आपकी गाड़ी में पड़ा था। मेरी गाड़ी में? जी हाँ बेबी, ये मर्दाना चप्पल आपके जनाना गाड़ी में कहाँ से आ गया? अरे हाँ, कल तो बड़ा ही मजा आया। एक इडियट मेरी गाड़ी में घुस आया, कहने लगा कि मुझे डायमंड गेस्ट हाउस छोड़ाओ। मैंने उसे थक्के मार के गाड़ी से बाहर निकाल दिया। शायद उसी का चप्पल होगा। अब इसका क्या करूँ? अरे करना क्या है, अपने सर पे मार ले। मर्द का चप्पल है, फिर शादी जल्दी हो जाए। मैं क्यों मारूं अपने सर पे? उसी के सर पे क्यों ना पड़े जिसका है। अच्छा बाबा उसी के सर पे मार ले। सकल सकल मेला कुछ ना। बाप रे, ये जूतों की बारिश कैसे होने लगी? मेरी चप्पल? अरे वाह, जिसका जूता उसके सर। मुहावरा तो सुना था, बम्बई में आजमाइश भी हो गई, बिछड़े हुए फिर मिल गए। हे भगवान, अब ये जोड़ी सलामत रखिए। एडियट, क्या वक्त है? नमस्ते मैम साहब, मैं तो अपनी चप्पल की जोड़ी के लिए कह रहा था, मेरी चप्पल मुझे मिल गई। अच्छा अच्छा, जो यहाँ से। अरे अगर आपका हुक्म हुआ तो हम दुनिया से चले जाएं। बदतमीज, चलो फिर। फिर मुझे बुलाया? जी नहीं, अपने कुत्ते को, समझे? समझ गया। अरे फिर तू इस इडियट की पहचान ले। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। जूता उसी का सर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह अरे वाह तेरी बम्बई। खाया धोखा गए जिधर, देखो किस्मत फंसे किधर, अरे वाह अरे वाह तेरी बम्बई। आके यहाँ का मिल गया, जेब कटी और दिल गया, रंग तेरे इस शहर के देख चले जा हिल गया। आके यहाँ का मिल गया,
जेब कटी और दिल गया, रंग तेरे इस शहर के देख कले जाहिल गया, माल ना सही जान तो बची भाग भाग मिस्टर, जिसका जूता उसी कसर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह रे तेरी बम्बई। नेम फिरे किस आन से, साथ है कुत्ता शान से, जानवर से तो प्यार है प्यार नहीं इंसान से, नेम फिरे किस आन से, साथ है कुत्ता शान से, जानवर से तो प्यार है प्यार नहीं इंसान से, देख नाजनी हम भी है हंसी इतना नाज ना कर, जिसका जूता उसी कसर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह रे तेरी बम्बई। पास में मोटर कार हो, बैंक में 30,000 हो, प्यार यहाँ सब कीजिए माल ये जब सरकार हो, पास में मोटर कार हो, बैंक में 30,000 हो, प्यार यहाँ सब कीजिए माल ये जब सरकार हो, ना तो सूट है ना तो बूट है, देख प्यार से डर, जिसका जूता उसी कसर, दिल है छोटे बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह रे तेरी बम्बई। खाया धोखा गए जिधर, देखो किस्मत फंसे किधर, अरे वाह रे वाह रे तेरी बम्बई। अबे धक्का क्यों देता है, एक तो पहले ही आधा पजामा दे दिया है। कौन कुमार सर, आते हैं कैसे? जी मेरा नाम कुमार नहीं है। मुझसे छुपाते, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, आप शिकारगढ़ के जागीरदार कुमार साहब। किस जुर्म में तशरीफ लाए? देखिए आपको धोखा हुआ है, ना मैं कोई जागीरदार हूँ और ना मेरा नाम कुमार है। जी बात है, लेकिन आपकी शक्ल तो कुमार साहब से बिल्कुल मिलती जुलती। हो सकता है भाई। हो क्या सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप आइए मेरे साथ। अरे आइए यहाँ बैठिए बैठिए। ये कितने दिन के लिए यहाँ आए हैं? भैया एक छोटी सी चोरी की थी, उसके लिए 6 महीने की सजा दे दी है। तो मिलाइए हाथ। मिलाइए हाथ, हम दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं अपनी सजा भुगत कर कल ही बम्बई जा रहा हूँ। बम्बई? यहाँ से छूटते ही आप बम्बई आ जाइए, मैं आपको मालामाल कर दूंगा। बम्बई में आपका पता क्या है? डायमंड गेस्ट हाउस। डायमंड गेस्ट हाउस। बाबा क्या लग रहा है, क्यों फिक्र में बैठे हैं? क्या बताऊं भाई, मेरा लड़का गांव से फिल्म के शौक में भागकर बंबई आ गया, बहुत ढूंढा पर कहीं पता ही नहीं लगता। फिल्म का शौक ही तो ऐसा है, बहुत से लड़के भाग के आते हैं और बेचारे रखड़ते हैं, लेकिन तुम जरा उसका थोबड़ा बताओ, बम्बई में अपन किसको नहीं जानता और कौन अपने को नहीं जानता? अपन तो सब प्रोड्यूसर को जानता है, हीरो को जानता है, हीरोइन को जानता है, कॉमेडियन को जानता है, अरे बाबा दिलीप कुमार को जानता है, अजीत को भी जानता है, वो तो अपना लंगोटिया यार है। अपन तो बम्बई में हर आने वाले को जानता है, हर जाने वाले को जानता है, नीचे वाले को जानता है, ऊपर वाले को जानता है, तुम सिर्फ जरा थोबड़ा बता दो कैसा है। उसकी उम्र 20 बरस है। 20 बरस ना, और गोरा रंग। गोरा रंग ना, वेरी गुड। और गाल पे एक दिल होना चाहता, और नाम सोहन। सोनू। सोनू। सोनू, तुम सोनू को जानते हो? अरे बाबा वो तो अपने पड़ोस में रहता है, मुझे उसके पास ले चलो। बाबा जरा हाथ से जल्दी मत करो, थोड़ा अक्कल की काम बात करो, तुमको मैं उसके पास ले जाएगा तो वो तुमको देख के भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम उसको बना करके इधर ले आते हैं, समझा ना? लेकिन जरा टैक्सी का कुछ पैसा आएगा लाने के लिए तो अच्छा है। टैक्सी का कितना पैसा लगेगा? बहुत थोड़ा, सिर्फ 25 रुपए।
मेरे पास तो सिर्फ 15 रुपए। कोई बात नहीं, 10 मैं डाल दूंगा। क्योंकि बात ऐसी है ना कि अपना नाम है धर्मराज, है जैसा नाम वैसा काम। अपन तो सिर्फ धर्म का काम करता है, क्या समझा? बहुत एहसान आपका। अरे एहसान उस खुदा का जिसने जहाँ बनाया उसने मुझे बनाया और मैंने तुम्हें बनाया। ये मुझे कौन बना गया? धर्मदास, तुम इनके लड़के को जानते हो? जानता 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 है? झूठ ही बोलता है। नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। ये लो बाबा, तुम जाके किसी पुलिस स्टेशन में अपने लड़के को पूछना, वहाँ से मिल जाएगा, समझे? तुझे शर्म नहीं आती कि गरीब आदमी जो देहात से आते हैं उनसे इस तरह का सलूक करता है? तूने मेरा ये हाल कर दिया है। 3 दिन से आज मैंने खाना नहीं खाया, समझा? वो तो तुम्हारा गुस्सा बताता है, पर बाबा इसमें मारपीट की क्या बात है? खाना नहीं खाया तो हम तुमको खाना खिलाएगा, खिलाएगा पैसा भी वापस करेगा। चलो हमारे साथ चलो। बॉय, देखो तो अच्छे अच्छे खाने ले आओ। चिकन रोस्ट, रोगन जोश, मटन, कीमा, भजिया। एक बार फिर पढ़ना। अरे क्यों? बहुत अच्छा लगता है। अरे इससे अच्छे अच्छे नाम पढ़ूंगा। कोफ्ता नरगिसी, सीख कबाब, ठीक है, गुर्दा, पालक भाजी, सोहनपुरी। भैया सोहनपुरी खाएंगे? सोहनपुरी 2 प्लेट गर्मा गर्म सोहनपुरी लाओ। सोहनपुरी? अबे हाँ हाँ, ये क्या लिखा है ना, लिखे ना क्या? सोहन लाल पुरी। अरे हमको मालूम, हम पहला भी खाया है वो सोहन हलवा और लाल लाल पुरी। लाल लाल पुरी जल्दी ला। अरे साहब, ये हमारे मैनेजर का नाम है सोहन लाल पुरी। लो बोलो, ये इनके मैनेजर का नाम है। तो भैया जो तेरी समझ में आता है लिया, लेकिन देख जरा अच्छा खाना लाना और ज्यादा महंगा लाना। हाँ, और जरा जल्दी मिला भैया, पेट भर कर खाना, जरा नहीं शर्माना है। अरे भाई, टमाटर दिए, चटनी है, चटनी है। पंग पंग पंग, अच्छा है। खाना तो पेट भर के खाया ना? मैं तो समझता हूँ धर्मराज को शायद ज्यादा खा लिया होगा। परवानी परवानी, अभी थोड़ी देर में हजम हो जाएगा। अच्छा। और अभी तो तुम्हारे लिए पान लाना बाकी है, अभी 2 मिनट में तुम्हारे लिए पान लाता हूँ। सिगरेट नहीं भैया? नहीं बिल्कुल नहीं धर्मराज, बिल्कुल नहीं। हाय भगवान, तूने कैसे कैसे आदमी पैदा किए। धर्मराज तो वाकई धर्मराज है। ये क्या है? खाने का बिल 12 रुपए आधा। अच्छा, धर्मराज जी देंगे। धर्मराज जी? अरे वो जो यहाँ बैठे थे ये? हाँ। ये तो क्या, और आपसे पैसा लेने को बोल गया। पैसा हमसे लेने को बोल गया? आज पर मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। भाई आपके पास पैसा नहीं है तो ये सब खाने का बिल कौन देगा? मैनेजर तो मेरी जान खाएगा, मेरी पगार से काटेगा। अरे भाई तुमको बोला ना, वो पान लेने गया है, वो आएगा तो दे देगा। अजी साहब वो तो गया। मैनेजर साहब। अरे अरे क्यों चल जाता है, क्यों जान देता है? इधर आके बोलो। मैनेजर साहब, इधर आओ। मैनेजर साहब, क्या बात? ये खाना खा गया, पैसे नहीं देता। हाँ, पैसे नहीं देता क्यों भाई? क्यों पैसे क्यों नहीं देते? क्या दादाजी की फातिया हलवाई की दुकान है? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है मैनेजर साहब। अरे पर ढेला नहीं है तो खाना क्यों खाया भाई? खाना तो इसलिए खाया था कि मेरा बिल धर्मराज चुकाएगा। हाँ, धर्मराज चुकाएगा। क्या तुम्हारा बिल चुकाने के लिए धर्मराज को खुद को नीचे स्वर्ग से आना पड़ेगा? निकालो निकालो पैसे निकालो। मैंने कह दिया ना मैनेजर साहब, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं कुछ काम करने को तैयार। काम करने को? तू कुछ काम करेगा? हाँ हाँ मैनेजर। कितना बिल है इनका? 12 रुपया। देखो 12.5 दिन होटल में काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? मंजूर है। मंजूर, ले जाओ अपना यूनिफॉर्म पहनाओ। अरे तो? जी हाँ मैं यहाँ। और इस लिबास में? जी बात यह है कि 12 रुपए आठ आने का चक्कर है। ओह, तो तुम्हें बैरा बनने का शौक है? शौक नहीं, मजबूरी कहिए। घर से तो बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए निकला था, लेकिन बंबई वालों की मेहरबानी यह हालत बना दी। बंबई वालों को क्यों कोसते हो? तुम तो हो इडियट। थैंक यू। आपके लिए क्या? हाँ, 4 प्लेट टमाटर सूप, ब्रेड बटर और कटलेट। वेजिटेबल और नॉन वेज? वेजिटेबल। हाँ, और 4 ग्लास वाटर। 4 ग्लास वाटर सिंपल और एरियल? कोल्ड। वेरी कोल्ड। मालूम होता है हमारी पहचान वाला खाना अच्छा रहे। तो बहुत मजेदार है।
ओए, ओए। यस मैम सर। चार प्लेट और सूप ले आओ। इतना काफी है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये नाम का टमाटो सूप है, असल में ये इमली के गर्म पानी में मिर्ची का पाउडर मिलाया गया है। और ये बटर? इसमें बटाटे के आटे की मिलावट है। और ये डबल रोटी? इसमें मैदे के बजाय इमली के बीज के आटे की मिलावट है। बोला नहीं किसी से, नहीं तो हमारा नौकरी चला जाएगा। यहाँ का मालिक कौन? वो मालिक, मालिक होगा कोई 420। फिलहाल मैनेजर तो ये मंकी है। मैनेजर, मैनेजर, मैंने कहा इधर आइए। क्या बात है? आप लोगों को लूटते हैं। लोगों की से? अरे मगर हुआ क्या? हुआ क्या? ये कोई खाना है? हर चीज में मिलावट? मिलावट आपसे कैसे कहा? ऐसा मालूम हो गया है आप ही के आदमी ने कहा है। हम इसका एक पैसा नहीं देंगे। समझ में नहीं आया कि किसकी शरारत है। आ गया बैरा 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 नमक हराम, ये सब तेरी शरारत है। हाँ तूने लड़कियों को बताया होगा चार आने बस की लालच में ग्राहकों को भड़काता है। निकल जाओ मैनेजर साहब, उसको मत डिसमिस कीजिए, मुझे डिसमिस कीजिए। क्यों? इसलिए कि लड़कियों को मैंने बताया है। क्यों? इसलिए कि मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। यू आर डी कहता हूँ, यू आर डी डिसमिस। चलो चलो यहाँ से। थैंक यू। अगर वो मिस्टर डब्बू ये कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो, चलो उतारो। बाप का माल है क्या? नहीं 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 साहब, आप ही का माल है। थैंक यू। मिस्टर सोहनपुरी, आज जिस सच के लिए आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, कल इसी सच की बदौलत मैं आपको इस गेस्ट हाउस का मालिक होकर दिखाऊंगा, समझे? ऐसे वैसे आदमी से ज्यादा बात मत किया करो। हो सकता है कोई सीआईडी का आदमी और फेस बदल कर हमारा राज मालूम करने के लिए आया हो। हमारा धंधा जोखिम का है, इसलिए जरा एहतियात से काम लिया, समझे? जी। एक बिल बना दीजिए। क्या बिल बनाओ जी? गाड़ी गाड़ी सुनती चार शमशेर, ये क्या हुलिया बना रखा है? जरा मुझे बागबानी का शौक है, अपने कोठी के फूल पौधों की देखभाल मैं खुद कर लिया करता हूँ। अच्छा शौक है, काम धंधा तो चल ही रहा है, इसकी चिंता तो है नहीं। आप तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात की फिक्र? चाय आती हूँ? चाय फिर पी लेंगे। हाँ। इस वक्त मैं अपनी कमीशन के लिए आया। क्यों नहीं क्यों नहीं, आओ मैं साथ आई। अरे भाई शमशेर, चेक चाहिए या कैश? करमचंद जी, ऐसे कामों में कैश ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। अच्छी बात नहीं। सारा दिन घूमती रहती हो, कभी किताब लेकर भी बैठा करो। पिछले साल इम्तिहान में फेल हो गई थी। मैं कोई जानबूझ के थोड़ी फेल हो गई थी। इम्तिहान के पेपर इतने मुश्किल थे, उसमें मेरा क्या कसूर? आज से कई बार क्या है कि आप मुझे एक ट्यूटर रख दीजिए, मगर आप कुछ ख्याल ही नहीं करते। शमशेर 1000। शुक्रिया करमचंद जी, मालूम होता है आप अपनी बेटी को बड़े लाल प्यार से रखते हैं। बचपन में इसकी माँ मर गई थी, दोनों ही फर्ज अदा करने पड़ते हैं। तुम जानते हो मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, चाहता हूँ इसको ही बीएमए करा दूं। और हाँ, तुम्हारे ख्याल में कोई अच्छा ट्यूटर है?
थिएटर? हाँ। आप कहते हैं तो मैं देखूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। और सुनिए, हाँ। गेस्ट हाउस में फोन करा दीजिए। हाँ। आज रात में 50 पेटी और लेकर जाऊंगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा नमस्ते। अच्छा नमस्ते। डैडी, डैडी, छात में कौन था? मेरे कारोबार में हिस्सेदार है। आपका पार्टनर? हाँ। छी, मुझे तो याद में बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्यों? इसलिए कि जिसे देखकर मेरी फीफी भौं 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 भौंकती है ना, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अरे पगली, तेरी फीफी तो मुझे भी देखकर कभी कभी भौंकती। ओ तो शायद आप भी अच्छा। शरीर कहीं की। मुर्गी चुरा के लेकर आया। मुर्गी? कैसी मुर्गी? कितनी मुर्गी? तमीज से बात करो, अपन को चोरी का मुर्गी खाने वाला आदमी नहीं है। अपना नाम धर्मराज है, धर्मराज। चाचा मैं सच कहता हूँ, यही है वो आदमी। अरे क्या बदतमीजी है? जा जा, हमें बनाता है। मैंने तुझे खुद मुर्गी उठाते देखा। मैंने तुझे खुद मुर्गी उठाते देखा। कहाँ से देखा? दूर से। हेलो बोलो, है ना दिन का अंधा, दूर से मुझे देखा। अबे कोई दूसरा होगा, फुटपोट नहीं तुम ही था। तेरी मुर्गी चोरी हुए कितना टाइम हुआ? अभी 5 मिनट पहले। अभी 5 मिनट पहले? अरे तो क्या मैं कच्ची मुर्गी खा गया? ये देखो इस जेब में है मुर्गी? नहीं है। ये देखो इस जेब में है? नहीं। बाल्टी में है? नहीं। यहाँ अपन तो 1 घंटे से इधर खड़े लाए। बाबू भाई तुम्हें संग अपन 1 घंटे पास रुते हो तुमसे नवरियाची शब्द पर। देखा अभी तुम अपना कमजोर मत समझो, तुम बहुत बड़े बड़े आदमी का थोड़ा छोड़ दिया क्या समझ रहे? नहीं नहीं, तुम शरीफ आदमी वाले मत हो, तू बहुत बहुत खराब आदमी हो गया। तू किसी दिन मुझे पिटवाएगा। मारो, चल यार, जूता मारो, मारो, मारो। चुप, कल रात दोस्तों ने जरा मुर्गी खिला दी थी, शायद कच्ची रह गई है इसलिए पेट में बोल रही है। चुप, कल की मुर्गी पेट भरकर बाहर निकल रही है। क्या बात है भैया? मुर्गी चुराकर भाग रहा था। हमारे मुल्ले मुर्गी चुराता है? अरे धर्मराज, धर्मराज, वो होश, ये तो गरीब बेहोश हो गया। आखिर आज इसको अपने किए की सजा मिल ही गई। यार धर्मराज, एक बात अपनी समझ में नहीं आई। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, और तुम मेहनत मजदूरी के बजाय लोगों की जेबें काटते हो। तुमको मालूम है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ठोकरें खानी पड़ी? और तुम क्यों इतनी बद्दुआएं लेते हो? माँ कसम, हम बहुत बदकिस्मत आदमी है, बहुत बदकिस्मत आदमी। 4-5 दिन से हमको वर्कशॉप में काम भी मिला है। अच्छा। लेकिन ये चोरी की आदत ऐसी पड़ गई कि जाती चली। अब रोने से क्या फायदा, ये जरा सी आदत तुम कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? ब्रदर, तुमको रहने को जगह नहीं है ना? हाँ नहीं है। तुम प्रॉमिस करो तुम हमारे साथ रहेंगे? हम तुम्हारी कसम खा कर हम सब बुरी आदत छोड़ देगा, सब छोड़ देगा। लकड़ी के साथ लोहा तैरता है। एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे और हमेशा सच बोला करोगे, तब हम रह सकते हैं तुम्हारे साथ। चोरी करने का अब कोई चांस नहीं ब्रदर, इतना मार पड़ा है कि चोरी का आदत तो हम भूल गया। अब रहा सच बोलने का बात, वो बात जरा टेढ़ा है, आस्ते आस्ते सीधा हो जाएगा। प्रॉमिस। सीधा हो जाएगा ना? प्रॉमिस, प्रॉमिस। तो ठीक। अच्छा अभी हम जरा कपड़ा बदलते हैं, बदल। वर्कशॉप जाने का टाइम हो गया है। ये ब्रदर, तुम जॉबलेस है? नहीं। हाँ जॉबलेस। नौकरी करेगा? हाँ करेगा। हमारे वर्कशॉप में एक मैकेनिक का जगह खाली है। मैकेनिक का जगह? लेकिन उस्ताद ये काम हमको नहीं आता है। हाँ? अरे तुम टाल जाओ ना, हम सब संभाल लेगा। ए मम्मा, अरे एक स्पेशल चाय और एक मस्का पावला सेक के लिए, जल्दी अपना मेहमान है, जल्दी बैठो। आप तो बैठे, बैठ जा, बैठ बैठ। कैसा है नारायण, मजा में? सलाम सेठ। सेठ तुम अपन को बोला था ना तुमको एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक का जरूरत है, अपन अखा बंबई ढूंढ के एक फर्स्ट क्लास मैकेनिक लेके आया। हिलमन बनाता है, डॉज बनाता है, प्लेमार्क बनाता है, लॉरी भी बनाता है। सेठ बुलाओ, बुलाओ। चल बाबू, काम बन गया। क्या हुआ? लेकिन एक शर्त है,
देख ये मैं जानता हूँ कि तू सच्चाई का पुतला है, पर आज जरा पुतली की तरह चुप रहना है, भगवान के लिए जबान से एक लफ्ज नहीं निकाला, समझा ना। चल चल, कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं है बाबा? गड़बड़ वाले दिन गए, अभी अपन जेंटलमैन हो गया। अच्छा बाबा, अरे बाबा जा जा। सेठ जी यही चाहिए, यही चाहिए। धर्मराज ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, पहले कहाँ काम करते थे? सेठ जी अपन पहले है ना फ्रेंच मोटर में था, फिर नेशनल गैरेज में था, और छोटे मेट्रो गैरेज में तो बहुत काम किया सेठ जी। कौन कौन सी गाड़ी रिपेयर करते? सेठ जी अपना तो ऐसा है कि प्लेमोट, डॉज, जेसोटो, हेलमेट, मोटरसाइकिल, लॉरी सब कुछ मैं रिपेयर कर लेता हूँ। और पगार कितनी लेते थे? बात ऐसी है कि पहले अपने को 350 रुपए मिलते थे, लेकिन अपनी कड़की है तुम 300 देगा तो भी चलेगा। अच्छा काम तुम शुरू कर दो, हम तुमको 300 रुपए देंगे और फिर काम देखकर तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलो चलो। सेठ जी क्या है? सेठ जी आपने मुझे नौकरी तो दी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता, मैं कोई मोटर बनाना नहीं जानता सेठ जी। मगर अभी भी तो तुम कह रहे थे कि तुम सब कुछ जानते हो। सेठ जी मैं नहीं कह रहा था, ये धर्मराज कह रहा था। धर्मराज ये तुम कह रहे थे? मुझे बेवकूफ बना रहे थे बदतमीज? जी नहीं, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की कोई जरूरत नहीं। गेट आउट। खुद मरा तो मरा, मुझे लेट होगा। चल सच बोलेगा। ठहरो इधर आओ। नौजवान हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुए हैं, तुम्हारे जैसा आदमी जरूर तरक्की कर सकता है। अगर तुम्हें काम नहीं आता तो तुम हमारे गैरेज में सीख सकते हो, हम तुम्हें पगार भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं है। और धर्मराज तुम आइंदा मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलना, समझे? ले जाओ काम सिखाओ इन्हें। अच्छा सर, थैंक यू सर जी, नमस्ते। ये देखो, वेरी गुड। ये रही छड़ी, ये पाइप और टबैक। अब आप पूरे जागीरदार बन गए। वो तो ठीक है, लेकिन आपने उस बदमाश अमर का पता किया? हाँ पता किया, एडवर्ड गैरेज में नौकरी करता है। फिर आपने उसके मतलब क्या सोचा? मैं वो गैरेज खरीद लेना चाहता हूँ। गैरेज खरीद लेना चाहता हूँ, लेकिन इतने रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? आप क्यों चिंता करते हैं, वो मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा। अब आप कोई ऑर्डिनरी आदमी तो है ना, शिकारगढ़ के जागीरदार कुमार साहब, आपके एक इशारे पर लाखों रुपए मिल सकते। वो कैसे? असामी लाना मेरा काम और दस्तखत करना आपका काम। हो समझ, लेकिन इस कारोबार में मैं और आप 50-50 के पार्टनर। क्यों? ठीक है ठीक है। और आप अपने पिता से मिलिए, आइए। ये है आपके पिता, स्वर्गीय जागीरदार हिम्मत सिंह बहादुर। वो तो ठीक है, लेकिन शमशेर बाबू ये पगड़ी भी ऐसी बांधनी पड़ेगी। जी हाँ, इन्हें प्रणाम कीजिए। प्रणाम मेरे नकली पिताजी। तू रो मत बावली, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं बंबई जाकर उसे ढूंढ लाऊंगा। मामा जी अगर आपके वहां जाने पर भी वो आपको ना मिले तो? अरे मिलेगा कैसे नहीं, अगर वो पाताल में भी होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ जरूर ढूंढ निकालूंगा। कुछ खराबी हो गई है क्या? हाँ मालूम ही, शायद पेट्रोल में कुछ कचरा अटक गया। तो कार्बोरेटर तो इधर है, आप उधर क्या देख रही हैं? ये ठीक करना। ओ, 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 ये नहीं। मैं आपकी गाड़ी अभी ठीक किया तो आप फिक्र कीजिए। जी नहीं जी नहीं, मुझे अपनी गाड़ी का हथियाना नहीं करना है, मैं अपनी गाड़ी को ठीक कर लूंगी। नेता जी, ये आपके बस का रोग नहीं है समझे, अगर आपसे ठीक ना हो तो ये मेरा कार्ड है। ये देखिए, ये मेरे पास सब पुर्जे मौजूद है। जी हाँ अभी ठीक किया था। ये देखिए, बहुत बड़ा भाई। मैम साहब मुझसे काम नहीं हो सकेगा, आप जरा बैठ जाइए ना।
आप ठहरिए, मैं भी चला के बताता हूँ। माफ कीजिएगा मैम साहब, ये तो एक्सीडेंट है। आप तो जानती हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, हमारी मुलाकात भी एक एक्सीडेंट थी, इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन मैं डैडी को क्या कहूंगी? ओ डैडी को आप इसकी बिल्कुल फिक्र न कीजिए, कल आप मेरे गैराज में गाड़ी ले आइए, मैं फिर ठीक कर दूंगा। फिर ठीक कर दूंगा, इडियट। 25,000 की गाड़ी का सत्यानाश हो गया। मैं पूछता हूँ टक्कर कैसे हुई? एक आदमी से। आदमी से? नहीं नहीं डैडी, आदमी की गाड़ी से। कैसे? मैं गाड़ी सड़क के किनारे पार करके ऑयल चेक कर रही थी कि उस बेवकूफ ने अपनी गाड़ी लाकर पीछे से मेरी गाड़ी से ठोक दिया। उसका नंबर क्या है? मैं अभी पुलिस में टेलीफोन करता हूं। नंबर तो मुझे नहीं मालूम, एड्रेस मेरे पास है। वैसे वो डैडी आदमी बहुत अच्छा है। उसने कहा है कि पुलिस में खबर नहीं करना, गाड़ी में रिपेयर करा दूंगा। तो ठीक, जाओ गाड़ी रिपेयर करा के लाओ, चलो। अच्छा अभी क्या ये यहाँ बीए का कोर्स कौन करता है? एक अपना दोस्त पढ़ता है, बोलता है अपन बीए पढ़ के बहुत बड़ा आदमी। वो पढ़ता है? अरे हाँ बाबा वो पढ़ता है, उसका तो खोपड़ी खिसके लाए, भेजा फिरे लाए। क्यों? अभी ऐसा तो बड़ा आदमी बनने का हम भी बहुत ड्रीम देखता है। बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? अगर आदमी कोशिश करे तो सब कुछ बन सकता है। अरे मैम साहब, बड़ा आदमी बनने का अपन भी बहुत ट्राई मारा लेकिन कुछ भी नहीं बन सका। मैम साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है? जी हाँ बिल्कुल तैयार है। आप बी का एग्जाम दे रहे हैं? जी हाँ, इरादा से ये बहुत अच्छा इरादा है। और मुझे आपसे कुछ नजला हो गया है। आप गाड़ी कट रहे हैं? आई एम सॉरी, दैट्स ऑल राइट। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? आहिस्ता आहिस्ता, पीछे वो उजाड़ सूरत खड़ा है ना, हम लोग बाहर चलते हैं। आपको ट्रायल चाहिए ना? मैं भी ट्रायल जाता हूँ, आप पीछे बैठेगी। देखिए मेरा ख्याल है कि मैंने गाड़ी ठीक तो बनाई। इंजीनियर साहब किधर जाता है? वो गाड़ी बनाने का, वो सेठ बम बम करेगा। देखो धर्मराज, तुम इतना गर्म होकर क्यों बात करता है? सेठ से बोलना कि हम आएगा अभी। चलो चलो हम भी चलता है। क्यों? रास्ते में गाड़ी खड़ा होगा तो हैंडल मारने का आदमी बनता है ना। अरे बाबा इसमें हैंडल नहीं है। तो फिर हम धक्का मारेंगे मैम साहब। ये गाड़ी रखने वाला नहीं है। लो बोलो, ये गाड़ी रखने वाला नहीं। अबे बम्बई में बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है। बेटा गया काम से। ए मम्मा, एक गिलास ठंडा पानी ला बर्फ डाल के। अबे चाय नहीं बाप, ऐसा ही चले जा जेल में, काहे को चाय पिलाता है? गाड़ी नहीं रुकेगी। कुछ कहने दो, बोले बिना हम जाने, रहने दो जी रहने दो। इन आँखों में रहना है गर प्यार है दो। पहले दिन को नजर आगे कुछ दूर तो सहने दो। हंस हंस के सहलेंगे बड़े शौक से तीर चलाओ। हंस हंस के सहलेंगे बड़े शौक से तीर चलाओ। ये फसाना है पुराना, कोई बात नहीं बदमाओ। चलो झूठ सही पर बात मेरी एक बार भी सुन तो लो। तुमसे कुछ कहना है अगर तुम कुछ कह ले दो। अजी बोले बिना हम जाने, रहने दो जी रहने दो। मैं
सच कहते हैं हम, चलो खाओ कसम, चाहे अपनी कसम ले लो, तुमसे कुछ कहना है अगर तुम कुछ कहने दो। अजी बोले बिना हम जाने, रहने दो जो रहने दो। तो गया इनविटेशन कार्ड है। ए, मालिक मालिक बेबी बेबी। हाँ कौन हो तुम? अम्मा यार इतने नाराज क्यों होते हो? ये लो बेबी से कहना कि इडियट आया है। इडियट? हाँ हाँ वो मुझे जानती है अच्छी तरह। जाओ। अच्छा आप अंदर बैठिए, मैं अभी खबर लेता हूँ। ठीक खबर करता हूँ। हाँ, अच्छा थैंक यू मालिक। वाह भगवान, बॉम्बे में लांड्री वाले की दोस्ती बहुत काम आती है। अरे वाह, माली माली जी मैं आपकी तारीफ पूछ सकता हूँ? बेबी का डैडी। डैडी डैडी? ओ बेबी, बेबी का डैडी, बेबी का डैडी है आप बेबी के डैडी हैं, बेबी के डैडी हैं। नहीं 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 दादी बिल्कुल नहीं। क्या काम था बेबी? कोई काम किस लिए आया था? मेरे पास जी मेरे पास उनका इनविटेशन कार्ड है। कहाँ? ये देखिए। हाँ बंबई में आजकल चोर लफंगे किसी से मिलने का बहाना करके घर में घुसाते हैं और जो चीज हाथ लग जाए चुरा के ले जाते हैं। अपने आप को एडवर्ड गैरिक का फिटर बताता था। है? है? क्या हुआ? क्या हुआ? बोल तो। आपने तो गजब कर दिया। आखिर बात क्या है? उसने कहा होगा कि मैं एडवर्ड कॉलेज का ट्यूटर हूँ। हाँ, उसे मैंने ही बुलाया था अपने ट्यूशन के लिए, आपने उसे काम का बगा दिया। कुछ समझ में नहीं आता। शायद यही कहा हो। आप बड़े वो हैं डैडी, बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा ट्यूटर मंगाया था, आपने उसे काम का निकाल दिया। मैं इस साल फिर फेल हो जाऊंगी। रो मत बेटी, रो मत। इतना अच्छा ट्यूटर मिला था तो उसे मना लाना जाके। इतनी बेइज्जती करके निकाल दिया, अब वो क्यों आएगा आपकी बेटी को पढ़ाने? कोशिश करो बेटा, कोशिश करो, कोशिश करो। टाइट कर, पहले उसको देखूंगा तो उसे ठीक है ना बाप? टाइट करना उसको, पर अभी उससे उससे पेट्रोल निकलता है, कैसे ठीक हो? अभी तो स्टार्ट करके देख गाड़ी, अभी वो गड़बड़ नहीं होगा। देख प्लग का क्या होगा, प्लग खोलता हूँ जब तक। हाँ तू तू प्लग खोल और देख उसका हिसाब बराबर रखना, प्लग वो बराबर नहीं, तीन नंबर का गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ हो जाती है। और ये नमस्ते सेठ जी। जीते रहो बेटा। बेटा मैंने ये गैरेज बेच दिया है। गैरेज बेच दिया? हाँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि ये सारा कारोबार संभालना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे नए मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे जाकर मिल लो। सेठ जी गैरेज के साथ साथ हमें भी बेच दिया। तुम तो पगले हो धर्मराज, जैसे मैं तुम्हारा मालिक था उन्हें भी ऐसे ही समझो। अच्छा अब मैं जाता हूँ, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अच्छा सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। तब बहुत गुडाडेड आदमी था। पगार भी वक्त पे देता था। ए, पगार? ए बाप, ये तो वक्त पे देता था, पर ये नया मालिक कैसा है क्या मालूम, वक्त पे दे के ना दे, चल मिलेंगे उससे। तुम इधर ही बैठो भाई, उधर जाके खाली पीली तुम धांधली करेगा। हाँ। जो पैसा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, हम जाके ठीक करते हैं। अच्छा ये मैं प्लग निकाल लेता हूं। प्लग निकाल के रख और जरा साफ करते रहे। निकल गया।
भाई। नमस्ते। ओ मनोहर तुम? तभी से बात करो, तुम क्या होता है? हम इस गैरेज के मालिक हैं और तुम हमारे नौकर। जी देख लिया तुमने किस्मत का खेल, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे किसी काम ना सकी। आज तुम एक मामूली नौकर की हैसियत में हमारे सामने खड़े हो। हम चाहें तो तुमसे अपने जूते साफ करवा सकते हैं। मनोहर जबान को लगाम दो, गैरेज तुमने जरूर खरीद लिया होगा लेकिन उसके साथ मुझे नहीं खरीदा है। अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई, याद रखो भूखे मरोगे। लेकिन अपने उसूल नहीं छोड़ूंगा, रख लो अपनी नौकरी अपने पास। देखता हूं तुम बंबई में कैसे रहोगे। क्यों बाप बहुत देर लगा दी, सेठ से पगार तो बढ़वा लिया ना? पगार बढ़वा ली मैंने तो नौकरी भी छोड़ दी। अरे क्यों? ये मैं तुझे फिर बताऊंगा, ये ले। अरे अरे खेर भाई खेर, अरे मैं भी आता हूँ। अरे यहाँ किसको नौकरी की पड़ी है, मैंने भी नौकरी छोड़ दी। जा अपना दोस्त मां मैं। जरा मेरा वो पर्स देना। जी इडियट, आपने मुझसे कुछ कहा? तुझे नहीं, इस चप्पल वाले से। इडियट रख दिया है, बहुत अच्छा नाम है। तुझे पसंद है ना, जब तेरी शादी होगी तो तू भी अपने आदमी का नाम इडियट रखना। इडियट इडियट इडियट। सुनिए वो प्लीज आपके इंजीनियर साहब को बुला दीजिए। कौन? अमर बाबू? जी हाँ जी। वो तो यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए। क्यों? पता नहीं जी। अच्छा। ये लड़की जो अमर का पता पूछ रही थी कौन है ये? क्यों पसंद आ गई क्या? किसकी लड़की है? मेरे दोस्त की लड़की। बड़ी बेचैनी से अमर का पता पूछ रही थी, मालूम होता है ऐसे अमर से कुछ लगाव है। लेकिन आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अगर इस मामले में भी अमर को शिकस्त देनी है तो बंदा हाजिर है। बुलबुल पंजे में आ सकती? ओ शमशेर क्या नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक दिन वहां ले चलूंगा। सच? लेकिन कोई स्कीम सोचनी पड़ेगी। तो सोचो ना। ओके। फिर शुरू कर दिया ना पुराना धंधा? क्या करेगा, जोश में आके तुम्हारे साथ नौकरी छोड़ दिया, चार दिन से सिगरेट भी नहीं पिया है। मैं तो सिगरेट पीना कोई बहुत अच्छा काम है क्या? अब बगैर सिगरेट पिए मर जाओगे? देख बाप, अपने को खाना मिले चाहे ना मिले चलेगा, पर एक पैकेट रोज का सिगरेट मिलना मांगता। कितनी मरतबा तेरे सामने हाथ फैला लेकिन तेरे तो अक्ल में कुछ बात आती नहीं। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम ये जानते हो कि ये पैसे मैंने अपनी इम्तिहान की फीस के लिए रख छोड़े, फिर तुम्हारी नजर हमेशा उन पैसों पर क्यों रहती है? अच्छा बाबा फीस भर लेना, बीए हो जाना, बहुत बड़ा आदमी बन जाना, समझा ना? अपन छोटा आदमी ठीक है, अपन अपना इंतजाम कर लेगा। क्या इंतजाम करेगा? ए धर्मराज, अरे धर्मराज, धर्मराज सुनो तो। ए बाबा इधर जाता। बेटा बहुत दूर से आया अपने बेटे मनोहर को ढूंढने, तुम्हें पता है मेरा बेटा मनोहर कहाँ रहता है? लो बोलो, अपने किसका पता नहीं, अपने को मनोहर का पता है, तुकाराम का पता है, मोहम्मद का पता है, गप्पू का पता है, तुमको कौन चाहिए? अच्छा तो तुम मुझे मेरे बेटे के पास ले चलोगे? क्यों नहीं लेकिन बाबा एक चवन ही निकालो, जरा बीड़ी बीड़ी का दम मारेगा पीछे तेरे को पहुंचा देगा। बाबा चलो भगवान। तो वो खूबसूरत बुलबुल यहाँ रहती है? हाँ, अब शमशेर का कमाल देखना, थोड़े ही दिनों में ये बुलबुल तुम्हारे सुनहरे पिंजरे में फड़फड़ाती नजर आएगी। लेकिन मेरा दिल तो अभी से फड़फड़ा रहा है। आज उसके दर्शन होंगे ना? इतने बेचैन क्यों होते हो, पहले उसके बाप के दर्शन कर लो फिर उसके भी हो जाएंगे। भाई सेठ जी घर में है? जी ऊपर है। जाकर बोलो शमशेर है। अच्छा आइए।
बुलबुल का भी पूछ लेते घर में है कि नहीं। बड़े जल्दबाज हो यार, हर काम अपने वक्त पर हो जाएगा। हेलो शमशेर, कैसे आना हुआ भाई? जागीरदार साहब को लेकर आया हूँ। सेठ करमचंद, आप हैं शिकारगढ़ के जागीरदार, 40 गांव के मालिक, लाखों की इनकम। बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे। मुझे तशरीफ रखिए। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आपने यहाँ तक आने की तकलीफ गवारा की। जी दरअसल तो तकलीफ हम आपको देने आए। फरमाइए, आप कह दीजिए। अर्ज ये शेर जी कि जागीरदार साहब बम्बई में नए नए और आज इनकी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी? मुबारक हो, मुबारक हो। जागीरदार साहब चाहते हैं कि आप तशरीफ लाएं। जरूर जरूर, मैं जरूर हाजिर हूँगा। और बेबी को भी जरूर लाएगी। वो भी जरूर आएगी। पार्टी कितने बजे? 8 बजे रात को। 8 बजे वर्ली सी पे, जागीरदार पैलेस। तो हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जागीरदार साहब, आप गाड़ी में तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हूँ। आराम से बैठो। देखो बाबा, अपन तुमसे चारा ना लिया ना, उसको हलाल करेगा। आज नहीं तो कल तुम्हारे छोकरे को जरूर ढूंढ के देगा, क्या समझा? भगवान तुम्हारा भला करे। थैंक यू, थैंक यू। प्यास लग रही है? बहुत बहुत पानी पिला दो। यस यस, आराम से बैठ, आराम से। क्या भी किया? आराम से बैठ, अभी लाया पानी। अच्छा, बीड़ी पी जा रही है? किसकी जेब काटी? देख बाप, मुंह संभाल के बात करा। जेब वेब नहीं काटी है, हलाल की कमाई की बीड़ी है। हलाल की कमाई? बिल्कुल हलाल की कमाई। एक बुड्ढा अपने छोकरे को ढूंढ रहा था, हम बोला हम ढूंढ के देगा, हमको चारा ना दो, चारा ना दिया, उसकी बीड़ी खरीदा। धर्मराज, अफसोस होता है कि तुम झूठ भी बोलने लगे। देखा, हम तेरी कसम खा के बोलता हूँ, हम तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तेरे को यकीन नहीं आता तो जा देख उधर जाकर, बुड्ढा बैठे लाए। अभी जाके पूछता हूँ बुड्ढे से, और अगर उसने कहा झूठ है तो? तो तेरा जूता और ये मेरा सर, समझा? देख बाप, जरा पानी लेते जाना, वो प्यासा है। अच्छी बात। लो बाबा, पानी पी लो। अमर तुम? मामा लो पानी पी लो। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, मैं यहाँ एक मेज नहीं करूंगा। मामा, मामा गुजरी हुई बातों को भूल जाओ। मामा मुझे माफ कर दो, तुम बीमार नजर आ रहे हो, बैठो आराम करो। नहीं, मैं मनोहर का ढूंढने लगा, उसी के बाद जाऊंगा। मामा भगवान के लिए सोचो तो, इतने बड़े शहर में मनोहर का ढूंढना कोई आसान काम नहीं। अगर तुमको मनोहर के पास जाना है तो मैं भिजवा देता हूँ। धर्मराज, धर्मराज एक बात तो बता। हाँ, ये तेरा मामा है? हाँ, ये मेरे मामा है और हमारे गैराज के नए मालिक जागीरदार साहब है ना, उनके पिता है। जागीरदार? हाँ मामा, आपका मनोहर बॉम्बे में आके बहुत बड़ा आदमी हो गया। बहुत बड़ा आदमी हो गया? भगवान, मैं कितना खुशनसीब हूँ। तो जागीरदार तेरा भाई? हाँ। वो बाप ले जाओ तुम मामा। चलो मामा, मामा हम तुमको बुलाते हैं, हम तुम्हारा छोकरा मिलाएगा। चलो तुम्हारे छोकरे को बुलाते हैं। और मेरे गले से लग जाओ। क्या बकते हो, कौन हो तुम? अरे तू अपने बूढ़े बाप को भी नहीं पहचानता? मैं गिरधारी हूँ, गिरधारी, तेरा बाप। बाप? किसका बाप? पागल हो गया क्या बुड्ढे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मनोहर, क्या दौलत ने तुझे इतना अंधा कर दिया है कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता नालायक? शमशेर, देखते क्या हो, बूढ़े को धक्के मार के बाहर निकाल दो। ए बुड्ढे, चलो बाहर चलो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बाहर चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। नहीं सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं यही मर जाऊंगा। पागल, मरना है तो मर जाके मरो। खून, बेटे के यहाँ बाप का ये स्वागत? चलो बाबा, कहाँ चलो? गरीबों की खुली, जिनका मकान तो छोटा मगर दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है बाबा। अरे ये क्या हुआ मामा, चोट कैसे लगी? धर्मराज बोलो क्या हुआ? अरे बाबा शुक्र कर कि हम इनको जिंदा वापस लेके आया, नहीं तो वो 20वीं सदी का श्रवण कुमार इनको जान से मरवा डालता, क्या समझा? वो तो बोलता था ये तो अपना बाप ही नहीं। क्या कह रहे हो धर्मराज? अरे बाबा जो आंख से देखा है वो बोलता है। मामा, मामा, बेटा, हाँ मामा,
अच्छा ठहरो, मैं भी। अमर बेटा अमर, ये लो धर्मराज, फौरन डॉक्टर को बुला ला। मगर ये तो तुम्हारा फीस का रुपया है। इसकी तुम फिक्र मत करो यार, इम्तिहान से ज्यादा मामा की जान प्यारी। मामा अमर बेटा अमर। हाँ मामा तुम फिक्र मत करो। ये रहा प्रिस्क्रिप्शन जी, ये दवाइयाँ बाजार से मंगवा लीजिए और जिस तरह मैंने लिख दिया मरीज को देते रहिएगा। बहुत खूब डॉक्टर साहब, ये रही आपकी फीस। नमस्ते। नमस्ते धर्मराज, ये डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन है, ये लो और ये 10 रुपए, जाके जल्दी से मामा के लिए दवाई ले आओ। जाओ जाओ। मेरा कहा सुना माफ करना बेटा। मामा मैं पत्थर को हीरा और हीरे को पत्थर समझता रहा, वो नालायक अपने बाप को तो भूल गया लेकिन कहीं गौरी को भी ना भूल जाए। वो बेचारी हरदम उसी की याद में आंखें बिछाए रहती है। मुझे वचन दो बेटा कि तुम्हारे जीते जी गौरी का जीवन बर्बाद नहीं होगा। मैं वचन देता हूं मामा। मामा मैं वचन देता हूं। जीते रहो बेटा। मामा मामा मामा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर फीस का इंतजाम न हुआ तो 1 साल और खराब होगा। अबे 1 साल तो क्या, अगर ऐसा कड़की का आलम चलता रहा ना तो मालूम नहीं तेरे कितना साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी तू सच बोलता है ना तो अपन समझे, पर भगवान तेरी फीस के पैसे ऊपर से मनी ऑर्डर करके नहीं भेजेगा। इतना खूबसूरत तुम नहीं है समझा। जितना पढ़ पढ़ के आंखें सुजा लिया है ना उतना हाथ पांव मारता है, तो ना खुद भूखा मरता ना हमको भूखा मारता। तू क्या समझता है मैं खामोश बैठता हूँ, मुझे इस बात की कोई फिक्र? वही वही अभी लेक्चर देने आ गए। एक बात बताएगा? कुत्ते वाली मेम साहब ने उससे मांग ले। जवाब नहीं है तुम्हारा, मर्द हो के औरत से मांगते हो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। देख बाबा, मोहब्बत के खाते में नहीं तो नहीं सही, पर उधार खाते में मांगने में क्या शर्म है? तुझे क्या शर्म है भाई, तुझे तो जेब काटने में शर्म नहीं है, किसी की बकरी चुराने में, मुर्गी चुराने में, किसी बात में शर्म नहीं है। तू सबको अपनी तरह समझता है क्या? अरे आखिर हम शरीफ आदमी है। तेरा भी जवाब नहीं है, मजाक मजाक में सच बात कर देता है, तेरा भेजे में कोई बात नहीं। जा जा जा, मर मर भूखा मेरा क्या जाएगा। कौन? धर्मराज, हाँ? अरे कमाल हो गया। क्या हो गया? भगवान ने आसमान से मेरी इम्तिहान की फीस का मनी ऑर्डर करके सीधा रईस साहब के पास भेज दिया, और ये देख मेरा रूल नंबर भी आ गया। वही जवाब नहीं ऊपर वाले का भी, इस कलयुग में नरसी भगत की हुंडी कैश हो गई, और क्या चाहिए। अब जोर शोर से इम्तिहान की तैयारी करो बाप। फिक्र मत कर मेरे दोस्त, एक मैं फौरन इम्तिहान में पास हो जाऊंगा। फिर भी सूरज तो आएगा, कितनी लंबी फिर भी सूरज तो आएगा। आखिर जीत तो होगी सच की, झूठ न फल पाएगा। कह गए बात ये लोग महा के, सच को ही कहते भगवान। साँच तो आज नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे। जग में आए जिन्हें दुख सहना,
में आए जिन्हें दुख सहना, सीख ले तू फूलों से कांटों में भी हंसते रहना, सच्चा रास्ता तू पहचान के सच को ही कहे भगवान, साथ तो आँख नहीं प्यारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे, सदा सच बोल अरे इंसान के सच को ही कहते भगवान, साथ तो आँख नहीं प्यारे। तरह क्या देख रही है? देवी है देखने? मगर आप कौन है? हम कोई भी होंगे, बेबी से कहना कि इडियट आया। ओ, इडियट? इडियट साहब, आइए आइए। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तो रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी कि वो आपको कामयाब कर दे। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और मैं कामयाब हो गया। नीला देवी, मेरे पास तो फीस भरने तक को पैसे नहीं थे, न जाने किसने मेरी फीस भरी। जी बैठिए ना, मालूम होता है भगवान आप पर बहुत मेहरबान हो गया है। भगवान के साथ साथ कोई और भी मेहरबान है। कौन है वो? यही जानने के लिए तो मैं बेचैन हूँ, और अगर मुझे वो मिल जाए तो। तो क्या करोगे? मैं उसके हाथ चूम लूंगा। ये तो बहुत मुश्किल है। जी बहुत। तो क्या आपने मेरी फीस भरी थी? जी जी बस। क्यों? बस यूं। आज तक कितनों की फीस अदा की? अब तक तो आप जैसा लावारिस कोई मिला नहीं। अच्छा, तो गया मुझ लावारिस से आपको काफी हमदर्दी है। जी ये तो समझने की बात है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि आप मेरा कर्जा कब चुका रहे हैं? कर्ज? जी। तो गया आपका कर्ज भी चुकाना होगा? जी हाँ, और वो भी सूद के साथ। वसूल करने का तरीका भी मुझको आता है। ओ भगवान, किस मारवाड़ी से पाला पड़ा है। ये कर्ज मैं कैसे अदा कर सकूंगा? मैं बताऊं तरीका? बताओ। आप मुझे रोजाना ट्यूशन दीजिए, बस हिसाब साफ हो जाएगा। बहुत अच्छे। साफ तो क्या, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक हो जाएगा। ओ, ओ देखिए ना, हिसाब के साथ तो आप खुद भी बेबाक होते जा रहे हैं। ओ, नमस्ते फिकर साहब। फिकर? ओ, I'm sorry, नमस्ते ट्यूटर साहब। कभी इडियट, कभी फिटर, कभी ट्विटर, कभी स्वेटर, कभी बटर, न जाने आप मुझे कितने नाम से पुकारेंगे। एक नाम और बाकी, बहुत ही प्यार। जो जी चाहे रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तो इसमें हर चीज क्या है, भगवान के भी तो बहुत से नाम हैं। ओह, मैं भी किस चक्कर में पड़ गया। आपने कल का होमवर्क किया? जी हाँ किया है, देखिए ना। ओह आई एम सॉरी। परेशान क्यों हो गए? परेशान तो नहीं, लेकिन हैरान जरूर हूँ। आपने कोई और ट्यूटर रखा है? जी नहीं, आपके सिवा और कोई ट्यूटर नहीं रखा। तो फिर आपने कहीं से कॉपी की है? कॉपी नहीं की, कॉपी पे लिखा जरूर है। सच? बिल्कुल सच। तो फिर नीला देवी, आप एक काम करेंगे? जी कहिए। कल से आप मुझे पढ़ाएंगे। मैं? जी हाँ आप, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। वाह साहब वाह, मेरे पैसे मारने का नया ढंग निकाला है आपने। फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब आप इस कदर पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको ट्यूशन की जरूरत क्या है, और फिर आप हर साल कॉलेज में फेल कैसे होती हैं? कॉलेज की जिंदगी में जो मजा है, जो आजादी है, उसे मैं इतनी जल्दी महरूम नहीं करना चाहता। इस कैद में तो मेरा दम घुट जाएगा। लेकिन एक न एक दिन तो तुम्हें कैद होना ही पड़ेगा। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? तेरा है तेरा, दिल को ना।
माफ कीजिएगा, आपको बहुत इंतजार करना। कोई बात नहीं सेठ जी, हम लोग बेबी के गाने का लुत्फ उठा रहे। बेबी के गाने का? जी। मगर ये वक्त तो उसके ट्यूशन का है। कुछ गड़बड़ है सेठ जी, ट्यूशन के बजाय उसे इश्क मोहब्बत का सबक सिखाया जा रहा है। क्या बकते हो शमशीर, जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं भी देखता हूँ। आप क्या देखेंगे, हम लोग खुद अपनी आंखों से देख कर आए। कहीं बधाई कहीं सगाई, यही आपके खानदान का दस्तूर। जागीरदार साहब, आपकी लड़की एक ऐसे आवारा से इश्क की पींगे बढ़ा रही जो मेरे गैरेज में मोटर साफ किया करता था, और अब वो आपकी इज्जत का सफाया कर रहा है। ये रिश्ता आपको मुबारक हो। चलो शमशेर। जागीरदार साहब, जागीरदार साहब, कमीने लफंगे बदमाश, हट जाओ। तेरी इतनी जुरत कि मेरी इज्जत का सच बता, तू फिटर है या टीका? मगर दीदी, तेरे गला के थोड़ी ये बोलेंगे कैसे? रे, बता। मैं झूठ नहीं बोलता सेठ जी, मैं एडवर्ट गैराज में फिटर जरूर था, लेकिन अब नहीं हूँ। और तू तो कहती थी कि एडवर्ट कॉलेज में ये ट्यूटर। तो मैंने झूठ बोला। झूठ कहा, मैं इसका खून पीता हूँ। सेठ जी, झूठ आपकी लड़की बोले और खून आप मेरा पिए, ये कहाँ का इंसाफ है? बोलो मत, मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करूंगा। लेकिन 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 सेठ जी, सोच लीजिए कि पुलिस को बुलाने में मुझसे ज्यादा आपकी बदनामी होगी। इससे पेशतर कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं, तुम शराफत से बाहर चले जाओ। शराफत? शराफत मुझे बहुत पसंद है सेठ जी। और खबरदार, जो बेबी से आईना मिलने की कोशिश की, कोई चांस नहीं है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते का बच्चा। क्यों, मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी उसका यह नतीजा? पढ़ लिख कर यही सिखा कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया डैडी। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मंगनी जागीरदार साहब से तय कर चुका हूँ। जागीरदार साहब से? आपको मुझे पूछना चाहिए था डैडी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। बगावत, ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जागीरदार साहब, आज आप नाराज होकर चले आए इसका मुझे असहद अफसोस है। मैंने उस बदमाश अमर को घर आने से बिल्कुल मना कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि आपने अपनी बेटी को इतनी खुली छुट्टी दे रखी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जागीरदार साहब। खैर, कल आप हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, हम दोनों बाप बेटी आपके स्वागत के लिए तैयार रहें। हमें इसके बारे में सोचना होगा। सोचिए नहीं, बस हाँ कह दीजिए, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। खैर, आपकी खुशी में हमारी खुशी। शुक्रिया, हम कल जरूर हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जाता हूँ। बैठिए ना, चाय तो पीकर जाइए। आपने मेरी बात मान ली, मुझे सब कुछ मिल गया। शुक्रिया। अच्छा, नमस्ते। यार, मैं ये सोच रहा था कि ये चिट्ठी नीला तक किस तरह पहुंचाई जाए। लो बोलो, अब चिट्ठी पहुंचाने का क्या जरूरत है? क्यों, नीला की सगाई जागीरदार साहब के साथ फिक्स हो गया। क्या मतलब? बिल्कुल पक्का खबर है, नीला की सगाई जागीरदार साहब के साथ फिक्स हो गई। धर्मराज, हाँ, तो फिर इस चिट्ठी का जाना और जरूरी है। मुझे नीला से मिलकर उसकी मर्जी मालूम करनी। ले जाओ। अरे बाप, ये तो चिट्ठी है, तेरे लिए अपन जान भी देगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये चिट्ठी सिर्फ नीला के हाथ में जाए। लो बोलो, हम इतना बेवकूफ है कि उसके बाप के हाथ में देगा? तो गया जागीरदार साहब, अब यहाँ तक पहुंच गए। क्या है? आस्ते आस्ते आस्ते, फूल फूल। लो बोलो। अरे फूल नहीं, फूल। जागीरदार साहब ने ये गुलदस्ता नीला देवी के वास्ते भेजे लाए, तुम जरा उनका पास ले जाओ ना। हा? क्या देखता है? अरे ओह, समझा समझा, अपन जागीरदार साहब का प्राइवेट सर्वेंट है। तुम हमारा एक काम कर दो, अपन भी कभी तुम्हारा काम आएगा। बात बात नहीं जाए, सर्वेंट सर्वेंट का काम आता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, गुड गर्ल। लो, हाँ ठहरो। लेकिन ये गुलदस्ता नीला देवी का हाथ में देना, दूसरे का हाथ में गया कि अपना बेड़ा पार, समझा ना? लो ला। ले, हवा गर्म है। माफ कीजिए, तुम यहाँ कैसे? लो बोलो। लीजिए, जागीरदार साहब ने भेजा है। ले जा मारो उनके मुंह पर, मुझे नहीं चाहिए ये फूल। अच्छा, Thank you.
आज खूब स्वागत हो रहा है, रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं, मुबारक हो जागीरदार साहब। फिक्र न करो, आज ठीक 8 बजे रात डायमंड गेस्ट हाउस। नीचे जाकर आवाज दीजिए, अभी आ जाएंगे। नीला, नीला, नीला कहाँ? नीला, नीला तुम? नीला कहाँ? बदमाश, एक शरीफ घराने की लड़की को लव लेटर लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नीला कहाँ? आज के बाद अगर कभी नीला अखबार में देखने को मिला तो मुझे कहना। कमीने, मैं तेरी क्या तो समझता हूँ समझे? पता नीला कहाँ? मैं कहता हूँ नीला कहाँ? जागीरदार साहब, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। अच्छी तरह निपटना। मार मार के कचूमर निकाल दो। मालूम होता है खत्म हो गया। कल सुबह शराब के बक्सों के साथ इसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। जाओ। मेहरबानी करके बाहर जाओ। लो बोलो। अरे अपन अपना दोस्त का वेट करता है, अपना दोस्त आएगा तो चला जाएगा। अरे तुम्हारा दोस्त गया जहन्नम में, हमारा होटल बंद करने का टाइम हो गया है, चलो बाहर हो जाओ। ए बोमा बम काय को करता है, जरा जबान को लगाम दो। जब हमारा दोस्त आएगा तभी अपन जाएगा। मेरे पता कर रहे हैं नहीं मानेगा। अरे ये कोई बात है? और ये तीन Thank you.
शराब। चलो तुम भाई उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। उठा। तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आया? पिस्तौल नहीं उस्ताद, एक चमचा चांदी का। लेकिन ये सब क्या हुआ? ये सब उस बदमाश जागीरदार की शरारत। और तुम जानते हो ये शराब का कारखाना भी उसी का है। शराब का कारखाना? जी 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 जी, जल्दी चलो पुलिस को टेलीफोन करें। चलो जल्दी। हाँ चलो। हेलो, मैं करमचंद बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अमर, वो वहां कैसे पहुंच गया? तुम बिल्कुल गधे हो। पुलिस को टेलीफोन कर दिया। बेबी मैं बहुत बुरा आदमी। क्या कह रहे हैं डैडी? आपको क्या हो गया? बेबी, बेबी, मेरी इज्जत तेरे हाथ। तू चाहे तो इसे बचा सकती या मिट्टी में मिला सकती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा डैडी, आखिर बात क्या है? कहिए ना, अब जो कुछ कहेंगे डैडी मैं वही करूंगी। तू वचन देती? हाँ डैडी, मैं वचन देती हूँ। तुझे अमर के पास जाना होगा। अमर? अगर बात उसके हाथ से भी निकल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। कुछ नहीं हो सकेगा बेबी, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा डैडी, बात क्या है बताइए तो। बेबी, बेबी, बेटी मैं नाजायज शराब का कारोबार किया करता था। अमर को मेरे खुफिया कारखाने का पता चल गया। अब अगर उसने पुलिस को खबर कर दी तो मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैं जेल चला जाऊंगा बेटी, मैं जेल चला जाऊंगा। आप ऐसे क्यों करते रहे डैडी? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी दौलत। जो होना था सो हो चुका बेबी, अब तू ही अमर को रोक सकती। जिस तरह हो सके उसे रोक। अमर को आपने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, अब मैं उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं डैडी, क्या मुंह लेकर? पर तुझे जाना ही पड़ेगा बेबी, मेरे लिए तुझे जाना ही पड़ेगा। वरना ये जिल्लत बर्दाश्त करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा न कहिए डैडी, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी डैडी, जरूर जाऊंगी डैडी। जी हाँ, मैं समझ गया कि मेरी पिटाई में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो चिट्ठी गलती से जागीरदार साहब के हाथ लग गई थी और आपके डैडी ने आपकी मंगनी भी जागीरदार साहब से तय कर दी है। अब आपको और क्या चाहिए? बहुत बहुत मुबारक हो नीला। ऐसी बातें करके मेरा दिल न जला। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। उससे शादी कभी नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी तक जगह बाकी है? हाँ, और मरते दम तक रहेगी। तो फिर ठीक है, अब मैं उस जागीरदार के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर मुझे याद करेगा। मुझे उसके खुफिया कारखाने का पता चल गया है जहां वो नाजायज शराब बनाता है। मैं अभी जाकर पुलिस को इसकी इत्तला करता हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अभी तुमको कुछ हमदर्दी है उससे? उससे नहीं, अपने डैडी से। अपने डैडी से? मैं समझा नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझूं? अमर, वो गेस्ट हाउस। हाँ? वो गेस्ट हाउस मेरे डैडी का है। वो गेस्ट हाउस और कारखाना तुम्हारे डैडी का है? गेस्ट हाउस और कारखाना, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे डैडी ये काम करते हैं। और अब अगर तुम चाहो तो मेरे डैडी को जेल जाने से बचा सकते। उनकी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। क्या सोच रहे हो अमर? मैं डैडी को वचन देकर आई हूँ कि मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है नीला, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी जिंदगी का उसूल है। मेरी खातिर तुम्हें अपने उसूलों को कुर्बान करना ही पड़ेगा अमर। मुझे मजबूर न करो नीला,
मैंने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये रही मेरी माँ की मल, इसे हाथ में लेकर मैंने कसम खाई कि अब मैं हमेशा सच बोलूंगा, क्योंकि मेरे झूठ ने मेरी माँ की जान ली। अब मैं फिर से झूठ बोलकर अपनी माँ की आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। तो फिर मेरे डैडी को जेल भेजना, मुझे दुखी देखना गवारा करो। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ ये माला, बता दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? क्या ये माला? साथ भी प्यारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे, सदा सच बोल अरे इंसान, के सच को ही कहते भगवान। सारे कोई फिर हिम्मत क्यों हारे, सदा सच बोल अरे इंसान, मैं जाती हूँ। कहते भगवान साच को आज नहीं प्यारे। तुम मुझे बुरा समझते? बुरा आदमी तो ये है। बेबी आपको फोन आया है। हाँ मैं नीला बोल रही हूँ। कौन? नीला देवी जी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। कौन? जागीरदार साहब। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आपके डैडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डैडी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? 50,000 की जमानत कैश? मैंने इंतजाम कर लिया है, आप फौरन यहाँ चले आइए। अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। बैठी नीला देवी, मुझे बहुत ही अफसोस है कि ये सब एकदम से कैसे हो गया। मैं रुपया लेकर आता हूं, आपको मेरे साथ कोर्ट चलना होगा। वैसे तो इसमें कोई खास बात नहीं, आपकी और मेरी सगाई तो हो ही चुकी है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने। मगर मैं इस मौत के परवाने पर दस्तखत नहीं करूंगी। सोच लीजिए। सोच लिया है, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर लूंगी। कहां से बंदोबस्त कर लोगे, जबकि सारी दुनिया को पता चल गया है कि आपके डैडी कौन है। कौन देगा उनके नाम पे कर्ज, जबकि सबको मालूम है कि आपके डैडी 5-7 साल के लिए जेल जाने वाले जी। जो जुर्म उन्होंने किया है उसकी इससे कम और क्या सजा हो सकती है। देवी तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने अपना वचन पूरा किया डैडी। इतनी बड़ी कुर्बानी तू मुझे जेल में सड़ने देती, मरने देती, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था बेबी, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुनाह बाप करे और सजा औलाद भुगते, मैंने तुझे बहुत बड़ी सजा दी, बहुत बड़ी सजा दी है बेबी। डैडी आप फिक्र न कीजिए डैडी, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। बाप को खुश देखने के लिए बेटी अपने आप को बेच दे, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा गुनाह। डैडी ले जा, मैं नहीं पीऊंगी। थोड़ी सी पी लीजिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया। डैडी नहीं पी, वो तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं? नहीं है। कहाँ है?
तुम्हारी बेटी नीला, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा हूँ। गुस्से में क्यों हो? किससे पूछकर उस बुड्ढे की तुमने जमानत दी? उस बुजदिल ने समुद्र में डूबकर खुदकुशी कर ली। क्या? ये पढ़ो, हमारा 50,000 रुपया डूब गया। तुम्हें आखिर हक क्या था मुझसे पूछे बगैर 50,000 रुपए दे देते? जो होना था हो गया, चिल्लाते क्यों हो? वापस कर दूंगा तुम्हारा हिस्सा। कब वापस कर दोगे? नीला से शादी के बाद। तो तुम्हें यकीन है नीला जहेज में लाखों रुपए लाएगी? बुड्ढा तो मर चुका और गवर्नमेंट ने उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली। फिर क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। कब? मुझे एक हफ्ते की मोहलत दो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। मेरी मदद के बगैर ये इंतजाम होना नामुमकिन, और मैंने कसम खाई तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज तक मैं तुम्हारे हाथों में खेलता आया हूं तो तुम्हें भी मेरा काम करना ही पड़ेगा, वरना फिर जेल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। समझ गए? अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जाइए। ये तो बहुत बुरा, बहुत बुरा हुआ। तुमने आज तक सच बोलकर काम इच कौन सा अच्छा किया है। अभी थोड़ा सा झूठ बोल दिया होता तो नीला खुश हो जाती, उसका बाप बच जाता, लेकिन तुम्हें किसी की क्या पड़ी है? तुम तो अपनी माँ की आत्मा को सुखी करना चाहते हो, बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। धर्मराज, ये मेरे अपने उसूल हैं। मैंने किसी के साथ कोई बुराई नहीं की, फिर तुम मुझे कसूरवार क्यों ठहराते हो? ठीक है ठीक है, ये बहस करने का वक्त नहीं। तुम नीला से जाकर जो तसल्ली के बोल बोला उसको इस वक्त तुम्हारी हमदर्दी के सर पर। मेरी समझ में नहीं आता उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। मैं उनका मुकदमा लड़ने के लिए चोटी के बैरिस्टर अंगेज करने वाला था, लाख दो लाख रुपया खर्च भी हो जाता तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। हमारे लिए आपने पहले ही बहुत कुछ किया जी। 50,000 तो मेरे हाथ का मैल है, जमानत जब्त हो गई तो क्या हुआ? लेकिन कर्ज तो मुझ पर है, न चुकाया तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं अपना वादा पूरा करूंगी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है, लेकिन मैं इस वक्त इस मतलब से नहीं आया। मैं तो आपके गम में बराबर का शरीक होने आया हूँ, कोई और खिदमत हो तो बताइए। इस वक्त आप मुझे मेरे हाल पर तो बहुत अच्छा। हाँ, जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया, इसे आप अपने पास रख लीजिए। इसे आप अपने पास ही रहने दीजिए, जैसे आपकी मर्जी, शादी के बाद ले लीजिए। वैसे तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मगर उस वक्त तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। उस वक्त मेरे और आपके दरमियान बिजनेस की बात थी, लेकिन अब मेरे दिल में सेंटीमेंट्स। मुझे वचन दो बेटा, तुम्हारे जीते जी गौरी का जीवन बर्बाद नहीं होगा। Thank you.
इसको भी मुलायदा कीजिए। खूब, बहुत खूब। जेवरात हमें पसंद है, कीमत का टोटल कर दीजिए। अभी जोड़ के बताता हूं, सिर्फ 51,000। बस कैश दूं या चेक? जागीरदार साहब, आपका तो चेक भी चलेगा। लीजिए। शुक्रिया। देखिए, अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो दुकान पर फोन कर दीजिएगा। जरूर जरूर। नमस्ते। नमस्ते। नीला की सुराहीदार गर्दन में खूब सजेगा। जागीरदार साहब, आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैला रहे हैं। 50,000 के पहले नुकसान किया, अब शादी में इस तरह रुपए लुटाए जा रहे हैं जैसे सारा माल आपके बाप का। भगवान शमशेर, चले जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक नौबत आ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन जरूरत के साथ हाथ नहीं लगा। नहीं, हट जाओ। सब कुछ यहीं रखो और चले जाओ यहां से। एक बार तो मैं दोस्त कह चुका हूं, वरना तुम्हारी लाश यहां तड़पती नजर आती। जाओ। अच्छी बात। एक पापी गया और दूसरा आया है, यहां क्या लेने आयो? मनोहर, मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपने लिए नहीं आया हूं, बल्कि एक मासूम और बेकस की फरियाद लेकर आया हूं। तुम नीला से शादी कर रहे हो, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन उस मासूम गौरी का क्या होगा? गौरी? कौन गौरी? मैं किसी गौरी को नहीं जानता। बहुत खूब, बचपन में जिसके साथ खेले, मोहब्बत के कौलो करार किए, आज वो कौन हो गई? मनोहर, तुम्हारे दिन में उसकी जरा सी भी याद नहीं? मुझे कुछ याद नहीं। तुम जा सकते हो। जो शख्स अपने बाप को भूल सकता है, अपने आप को भूल सकता है, वो एक मासूम लड़की को क्या याद रखेगा? तुम्हारे बाप की आत्मा तो तुम्हें क्या श्राप देगी, लेकिन एक मासूम लड़की की आस से डरो। अपना बुरा भला मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। तुम्हें सुनना ही होगा। मैंने मरते हुए मामा को वचन दिया था कि अपने जीते जी गौरी की जिंदगी बर्बाद न होने दूंगा। तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं। देखो, ये रिवॉल्वर भरा हुआ है, शराफत से चले जाओ वरना। हाथ क्यों कांप रहे हैं? अब चला गोली, एक बेकस की लाश पर अपनी शादी रचा ले। बाप का खून करने वाले नालायक कपूत ये अरमान ही पूरा कर रहे हैं। भैया भैया, चलो यहाँ से, मेरी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो ये मैं नहीं देख सकती। मेरी तकदीर में जो लिखा वो होने दो। मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूं। Thank you.
गौरी, 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 पुलिस, आपका शक कुमार, मेरा मतलब है नकली जागीरदार पर है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि गौरी का कत्ल कुमार ने किया है। आपके ख्याल में गौरी के कत्ल करने से कुमार को क्या फायदा पहुंच सकता था? कुमार गौरी को रास्ते से हटाकर नीला से शादी करना चाहता है। नीला? नीला कौन? डायमंड गेस्ट हाउस के मालिक सेठ करमचंद की लड़की। आपके बयान की तस्दीक के लिए कोई और गवाह भी है? जी हाँ, जब कुमार ने हमको रिवाल्वर से धमकी दी थी तो उस वक्त उसके कुछ मुलाजमीन भी वहाँ मौजूद थे, आप जिनकी गवाही ले सकते हैं। क्या वो यही रिवाल्वर है? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन था इसी तरह का। मिस्टर रामबर, आपको कुछ देर के लिए मेरे हमरा पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए चलिए। बाबू, आप ही का नाम है? हाँ। आपको थाने में बुलाया है। क्यों? आपके भाई कुमार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, उनसे कहना हम आएंगे अभी। अमर, तुम ही मुझे इस मुसीबत से छुड़ा सकते हो। मैं सच कहता हूँ, गौरी का खून मैंने नहीं किया। तुम एक सच्चे इंसान हो, लाखों मुसीबतें पड़ने पर भी तुमने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों हो? तुम असली कातिल का पता लगाकर मुझे छुड़ा सकते हो भैया। भैया? आज मुसीबत के वक्त तुम्हें भैया याद आया? वो दिन भूल गए जब तुमने दौलत के नशे में चूर होकर अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया था, मासूम गौरी की जिंदगी तबाह कर दी और मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। आज तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा ना कहो, तुम्हारे सिवा मेरी मदद और कौन करेगा? मैं सच कहता हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, बेगुनाह हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम खूनी नहीं हो। तुम जानते हो कि मैं बेगुनाह हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से हरगिज नहीं बचा सकता। अमर, मुझे मालूम है कि असली खूनी कौन है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं झूठ बोलूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें सच बोलना होगा। हरगिज नहीं, मुझे तुमसे इंतकाम लेना है, मामा की मौत का, गौरी के खून का और अपनी तबाही और बर्बादी का इंतकाम। ये सिर्फ इसी सूरत में पूरा हो सकता है जब मैं झूठ बोलूं। अब मैं झूठ बोलूंगा, जरूर झूठ बोलूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अमर, आप मुल्जिम को जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये रिश्ते में मेरे भाई। मकतूला गौरी का मुल्जिम से क्या रिश्ता था? गौरी इन्हें दिलो जान से चाहती थी, इनका और गौरी का बचपन से प्रेम था। अच्छा, तो मुल्जिम गांव छोड़कर बंबई आ गया और यहां आकर उसने अपने आप को जागीरदार जाहिर किया। फिर उसने मरहूम करमचंद के जाना जाना शुरू किया और मरहूम करमचंद ने अपनी लड़की नीला की सगाई उससे तय कर। जी हाँ। और मुल्जम गौरी को भूलकर नीला से शादी की तैयारी करने लगा। जी। और जब आपको इस बात का पता चला तो आप गांव जाकर गौरी को ले आए और गौरी को लाकर मुल्जम के मकान पे गए। मुल्जम ने इस पर आप दोनों को बहुत बुरा भला कहा और जब आपने प्रोटेस्ट की तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। ऐसा ही हुआ ना? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। और आपको कत्ल करने की धमकी दी। मिस्टर अमर, क्या ये सच नहीं कि मुल्जम ने गौरी को अपने रास्ते का कांटा समझा और उसे रास्ते से हटाने के लिए रात के अंधेरे में आपके मकान पर बेगुनाह का खून कर दिया? मिस्टर अमर, आप खामोश क्यों हैं? मैं पूछता हूं, आखिर आप खामोश क्यों हैं? मैं पूछता हूं, आखिर आप खामोश क्यों हैं? बोलिए मिस्टर अमर, आप खामोश क्यों हैं? गौरी का खून, गौरी का खून कुमार ने नहीं बल्कि शमशेर ने किया। शमशेर? मगर इसका सबूत क्या है? इसका सबूत गौरी की यह तहरीर
जो मरने से पहले उसने लिखी। आप जा सकते हैं। Thank you.
इससे पहले इकरार करता हूँ कि गौरी का कातिल मैं हूँ। जागीरदार मनोहर निर्दोष है। तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? आज मैं लेने नहीं, देने आया हूँ। ये वो एग्रीमेंट है जिस पर नीला को हासिल करने के लिए मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ दस्तखत लिए थे और इसी शर्त पर उसके पिताजी की 50,000 की जमानत दी थी। ये लो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मनोहर, नीला, अरे ले ले देख, अरे 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 मैं तेरे लिए कुत्ते वाली मेंसा ला रहा तेरा दिल बहलाने के लिए। सर समझ गया, ये भाई वही गया होगा, तुम मेरे साथ चलो। नीला, नीला, मैं ये देखने चला आया था कि आपका जख्म कैसा है। जो घाव आप मेरे दिल पर लगा है उनके मुकाबले में ये जख्म तो कुछ। मुझे गलत ना समझो नीला, आप मेरे मुंह से अपनी बहादुरी और शराफत की तारीफ सुनने आए हैं। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचे, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं मजबूर था। भगवान के लिए नीला, मुझसे भूल गई, जो मैं तुम्हें देखने चला है अब कभी नहीं आऊंगा। अमर बेटा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। आप बेटी, बेटी बेटी बेटी, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं बेटी, मैं जिंदा हूं। और डैडी, कुदरत ने मुझे जिंदा रखा, सच की जीत झूठ की हार मैं अपनी आंखों से देख सकूं। अमर ने जो कुछ किया ठीक है, अमर सच्चा और मैं झूठ, झूठे को मौत भी नहीं आती, मैं मर भी नहीं सकूंगी। बेटी, मैं तेरा हाथ आज एक सच्चे आदमी के हाथ में दे रहा हूं, तुम दोनों सुखी रहो। अब तो तू मुझे नहीं भूखेगी। लो बेटे। कहाँ जा रहे थे? अमर के बताए हुए सच्चे रास्ते पर, अपने पापों का प्रायश्चित करने और अपने आप को कानून के हवाले करने। अरे घूम गाय को मार रहे है, क्या लफड़ा है, इधर ला। इससे खाना खा लिया, पैसे नहीं देता। सोहनलाल पूरी बिजनेस मैनेजर, वेलकम। अबे सीधा खड़ा रहे, खाल मेरे खाल में, ये कोई दादाजी की फातिया या हलवाई की दुकान समझा ऐसे, पैसे क्यों नहीं देता बे? पैसे कौड़ी भी नहीं है, कहाँ पैसे कहाँ दो। तो खाना क्यों खाया था? दो रोज से भूखा था, खाना माने। वाह वाह, इसे कोई धर्मशाला समझ रखा है? पैसे दे दे सीधी तरह से, वरना पुलिस के हवाले करूंगा। मैं कहता हूँ चुप रहो, चुप रहो। चेता साहब का कोट उतारो और साहब को इज्जत से कुर्सी बिठाओ। बॉय, थैंक यू, थैंक यू। अब जरा साहब को उठाकर बाहर फेंक दो। चलो जल्दी करो। अरे चलो, 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 फिर कोई हरकत की है क्या? जी हरकत क्या की, दो दिन से भूखा था, चक्कर आ रहा था, होटल जाके खाना खा लिया। हाँ। पैसे नहीं थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों, कोई काम नहीं है क्या? अरे बिल्कुल बेकार हूँ साहब, भूखा मर रहा हूँ सुबह शाम। कोई काम करोगे? जरूर जरूर। बैरा बनोगे? बिल जरूर, लेकिन एक शर्त पर। वो कौन सी? कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कभी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान की सौगंध? अजी भगवान की सौगंध क्या, बल्कि बस बस बस। देखो इनको मैनेजर साहब पास ले जाओ और बैरा का ड्रेस ले जाओ। आइए
आइए मैडम, देख लिया आपने याद। सूरज तो आएगा, रात हो कितनी लंबी फिर भी सूरज तो आएगा। आखिर जीत तो होगी सच की, झूठ न फल पाएगा। कह गए बात ये लोग महान, सच को ही कहते भगवान साथ।